हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अपना सनातन धर्म चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाल समुंद पलारी, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और छत्तीसगढ़ के लगभग प्रथम फिल्म वही बना है। तो मैं आपको ले चलता हूँ पलारी सिद्धेश्वर धाम और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है। तो बने रही मेरी वीडियो के साथ। तो हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए गाइस अब मैं आपको, तो गाइस अब चलते हैं, मैं जूता पहन लेता हूँ अपना। तो चलिए हम लोग, तो चलिए बाहर का नज़ारा है, दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस अब चलते हैं, अब जाना होगा पलारी, तो दिखाता हूँ मैं आगे का वीडियो हम लोग को। तो चलिए अब चलते हैं। अपन लोग चल रहे हैं सिद्धेश्वर धाम पलारी, आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक मंदिर। पहले हम इस तरह अपन सलाम करते हुए प्रणाम करते हुए जाएंगे। चलिए पहले आपको अपना इष्ट देवता का दर्शन कराते हैं, उसके बाद जाएंगे आगे, देखेंगे क्या क्या है। आज का वीडियो लाल अच्छा बनने वाला है, देखते हैं। गाइस अपना इष्ट देवता का दर्शन करते हुए, जय बजरंगबली। तो गाइस अब इसके बाद हम लोग जाएंगे दतान। तो चलिए वर्मा जी चलते हैं। तो गाइस हमारे मुख्य अतिथि देखिए, ये इसी के नाम से लेट होता है गाइस हम लोग को, जो कि अब मेरा ड्राइविंग करेगा ये। तो गाइस अब बताना कमेंट में इसको क्या सजा देना है लेट करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं दतान की ओर। तो गाइस ये रास्ता है दतान का और हम लोग जा रहे हैं बगदी माता मंदिर। तो बगदी माता मंदिर में हम लोग रुकेंगे, पूजा पष्ट करेंगे माता बगदी माता का, और उसके बाद हम लोग आगे के लिए निकलेंगे। तो पहले हम लोग पूजा पष्ट करके तो रुकेंगे, उसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे। तो मिलते हैं गाइस, बने रही, मैं आपको घुमाऊंगा पूरा पुला। तो गाइस ये है बगदी माता मंदिर और यहाँ हम 2 मिनट रुक के जाएंगे क्योंकि पूजा पष्ट और प्रार्थना करेंगे। तो गाइस मैं रुकता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, दोस्त लोग भी रुके हैं। तो हम लोग अभी तो पूजा वूजा करेंगे, उसके बाद जाएंगे आगे के लिए। तो पहले हम लोग चलते हैं बगदी माता मंदिर। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बगदी माता मंदिर जो कि बहुत ही अच्छी है, और उसकी मूर्ति तो आप देख सकते हैं कि सामने साक्षात देवी है माँ बगदई माता मंदिर। और मैं आपको ले चलता हूँ राधा कृष्ण के मंदिर में, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ राधा कृष्ण जी के मूर्तियाँ हैं और चित्र भी हैं, आप देख सकते हैं टाइल्स से बिछा हुआ है मंदिर में। और मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर के पीछे में, जो कि भगवान श्री भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, आप देख सकते हैं छोटा सा है, और नंदी जी भी हैं साथ में। तो श्री शिवाय नमस्तुभम जय शंकर की। और मैं आपको ले जाना चाहता हूँ मंदिर के और आगे मूर्तियाँ दिखाने के लिए, 2 और मूर्तियाँ हैं। तो गाइस ऐसा मान्यता है कि अगर बगदी माता मंदिर में एक छोटा सा नाला पड़ता है, जो कि नाला यहाँ माता के चरण धोने के लिए आते हैं, तो आइए एक बार बगदी माता भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि दतार रोड से जाते हैं तो दर्शन अवश्य कर लेना। तो गाइस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि बगदी माता मंदिर प्राचीन है, ये है हमारे पवन पुत्र हनुमान जी, जय श्री राम। और मैं आपको ले चलता हूँ शनिदेव के मंदिर में, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर का निर्माण किया गया है, आप देख सकते हैं मूर्तियों का भी, जय। तो गाइस बगदी माता का तो दर्शन हो गया, बहुत ही अच्छा रहा बगदी माता मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। तो अब हम लोग चलते हैं गाइस पलारी की ओर। तो चलिए गाइस चलते हैं पलारी। तो गाइस हम लोग पलारी का नीचे पहुँच गए, अगर आप बलौदा रोड से आते हो गाइस तो आपको जाना होगा लेफ्ट की ओर, अगर आप रायपुर रोड से आते हो तो आपको लेना होगा राइट। तो गाइस आपको बने रही वीडियो के बाद पलारी के संबंध से आप कैसे लेफ्ट लोगे। तो गाइस ये रोड दिख रहा है, ये ट्रक है, तो इसके सामने ही ये साई मंदिर है। साई मंदिर से आप जस्ट लेफ्ट लोगे ना, तो यहाँ से बाल समुंद के वसाई मंदिर, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा 2 किलोमीटर का अंदर सफर रास्ता तय करना होगा। तो जो आप देख रहे हैं ना बाल समुंद का रास्ता यही है, और अब जो नीला बोर्ड दिख रहा होगा वही से बाल समुंद का तालाब का स्टार्टिंग होता है। आप देख सकते हैं कितना लंबा है बाल समूह, 185 एकड़ में फैला हुआ है, तो बहुत ही लंबा है। प्राकृतिक का नज़ारा इतना खूबसूरत नज़ारा है कि मैं आपको दिखा के ही बता सकता हूँ कि देखिए कैसा है। तो गाइस इतना प्राकृतिक का नेचर इतना बेहतरीन रहता है बाल समूह का।
ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 2800 में बना है मंदिर। यहाँ जल पीने का व्यवस्था भी है और गाड़ी पार्किंग का व्यवस्था है। मेरा यहाँ बाइक है और यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा है। तो गाइस अब चलते हैं मंदिर के अंदर, मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर के अंदर। तो चलिए चलते हैं। करते हुए तो गाइस ये है, हम लोग पहुँच गए। तो गाइस जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ के मुरादाबाद जिले के तहसील पलारी में स्थित है। ये आपको मेन रोड से पड़ेगा 2 किलोमीटर अंदर। तो ये मंदिर बहुत ही सुंदरता के साथ और प्राकृतिक और वैज्ञानिक के हट के बना है, क्योंकि ये केवल ईंटों के माध्यम से इसका नींव रखा गया है। आप देख सकते हैं कितने लाल ईंटों से बना है, इसमें पत्थर का मिश्रण नहीं है गाइस। तो मैं आपको अंदर लेके दिखाऊंगा ये जो। चलिए गाइस अब चलते हैं मंदिर के अंदर। भगवान है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक ही पत्थर से निर्मित है ये। इसके लिए और कोई पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया है, ये एक ही पत्थर से निर्मित नंदी भगवान है। और आप पूरा चलता है मंदिर के अंदर में। सुन महादेवा हो। तो गाइस मैं दिखा रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से बाबा सिद्धेश्वर धाम का शिवलिंग। ये जो आप देख रहे हैं ये बाबा सिद्धेश्वर धाम का शिवलिंग है, जो कि पलारी में स्थित है। बाल समुद्र के तट पर जो बसा है मंदिर, उसके अंदर का ये शिवलिंग है, जो कि आप देख सकते हो कितना ही सुंदरता और कितना ही बड़ा ही शिवलिंग है। मैं आपको पीछे की ओर दिखाता हूँ, शिवलिंग के छोटे छोटे आकार भी हैं जो आप देख सकते हैं, छोटे आकार में है। तो ये बहुत बड़ा शिवलिंग है, बड़े वाला, और ये छोटा वाला शिवलिंग है। और जो कि इस मंदिर का नाम बाल समुद्र सिद्धेश्वर है। ऐसे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। जाता है कि ये 2800 में बना हुआ शिवलिंग है। इस मंदिर का निर्माण भी इससे बात किया है 2800 के बाद। तो गाइस ये जय महाकाल श्री शिवाय। सावन मास शिव जिला मनाबो, बेल के पतियाला जगाबो। गाइस मैंने आपको दिखाया है बाबा सिद्धेश्वर धाम शिवलिंग का मूर्ति का वीडियो, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मंदिर के बारे में ज्ञान रखने वाले एक भैया जी हैं, जो कि प्रतिदिन यहाँ सेवा करने आते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ भैया जी को और पूछते हैं इस मंदिर के बारे में। फिर चलते हैं भैया से मिलते हैं। बहुत पुराना मंदिर है जिसका नाम बाल समुद्र तालाब के निकट ये मंदिर है, सिद्धेश्वर महाराज जी का मंदिर है ना। तो ये इसकी बहुत पौराणिक कथा है, उसके लिए आप महाराज जी से चाहे तो संपर्क कर सकते हैं। यहाँ भी दूर दूर से भक्तों का तांता लगा रहता है। सावन में अभी कांवर यात्रा भी आई हुई थी कजरोल से जल लेकर, है ना, जिसमें 2700 श्रद्धालु भाग लिए थे और लगभग 108 लीटर दूर से दुग्धाभिषेक हुआ था। और काफ़ी मान्यता है, दूर दूर से लोग आते हैं और भोलेनाथ की कृपा तो अपरंपार है। महादेव जय शिव शंभु। जय शिव। तो गाइस मैंने बात किया भैया जी से, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बताया उन्हें प्राचीन मंदिर है। आप जो दिखाई दे रहा है वो बाल समुद्र है, बालसुम के तट पर बसा हुआ मंदिर है। जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ माँ शारदा देवी का मंदिर है, जो कि बालसुम के टापू में स्थित है। तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे गाइस। पहले हम लोग जाएंगे मंदिर प्रांगण, उसके बाद हम लोग जाएंगे बोटिंग के लिए में, उसके बाद हम लोग जाएंगे टापू में। तो ठीक है गाइस, बने रहे वीडियो में। तो गाइस यहाँ बैठे हैं श्रद्धालु, तो मैं आपको और दिखाता हूँ मंदिर के। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ पिछला हिस्सा मंदिर का, जो कि लाल ईंटों के माध्यम से बना हुआ है। इसका जो नींव रखा गया है वो आप देख सकते हैं केवल ईंटों के माध्यम से रखा गया है, इसमें पत्थर का मिश्रण नहीं है। और बताया जाता है कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बनकर तैयार किया गया था, जो आज भी यह मंदिर सुव्यवस्थित तथा कुछ भी इसमें देखने को परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। गाइस देख सकते हो कितना भव्य मंदिर है, बड़ा मंदिर है। ये बाल समुद्र के तट स्थित ये मंदिर है।
और मैं आपको ले चलता हूँ प्रांगण में मंदिर के, और उसके प्रांगण जाने से पहले मैं आपको और ले चलता हूँ बाल सुमन के एक छोटा सा मूर्ति, शिवलिंग और मूर्तियाँ, जो कि बताया जाता है कि बाल सुमन का खनन जब कार्य कर रहे थे तब उस खनन कार्य में इस मूर्तियों का निकला है, तो इसे मैं दिखाता हूँ। ये जो मूर्तियाँ हैं ये बाल सुमन के खनन प्रक्रिया से हमें मिला है। तो गाइस देखिए कितना बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत बड़ा ही प्रांगण है, और यहाँ श्रद्धालुओं का बैठने का, सोने का और रहने का बहुत ही अच्छे व्यवस्था है। आप देख सकते हो कितना यहाँ श्रद्धालु यहाँ आते हैं। सो गाइस तो अब हम लोग चल रहे हैं बोटिंग की ओर, क्योंकि अभी भी चालू हुआ है, तो चलते हैं गाइस। ये अपने हो गया घूम लिए हम लोग, तो दर्शन वगैरह हो गया हमारा, तुम्हें सही हो गया दर्शन? हाँ हो गया ना, पूरा घूम लिए हम। अब चलेंगे बोटिंग की ओर, चलो चलो बोटिंग करने लेंगे, चलो चलो बोटिंग की ओर आने लेंगे। गाइस ये रास्ता वर्मा जी लोग पहुँच गए, तो ये हमारे साथी लोग पहुँच गए, फिर ब्लॉगिंग खत्म नहीं हुई। तो गाइस ये मंदिर के से पीछे जाने का रास्ता है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बोटिंग की ओर, और हम लोग जा रहे हैं पैदल। बाइक तो चल सकता है लेकिन रास्ता कच्चा है, तो हम लोग पैदल से ही आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता उतना अच्छा नहीं है बाइक के लिए, तो मैं पैदल ही आ रहा हूँ और दोस्त लोग बाइक में हैं। तो ठीक है गाइस चलते हैं बोटिंग की ओर। Few moments later. तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं बाल सुमन के बोटिंग वाले स्थान में। देख सकते हैं आप कैसा इतना इसका स्थान कितना बड़ा है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है, यहां लगभग एक साथ सब आदमी आ सकते हैं, और देखिए इसकी मजबूती को मैं दिखाना चाहता हूं इसमें। ये देखिए कितना ही मजबूत है, डूबने के लिए नहीं, आसानी से नहीं डूब सकता इसमें। और मैं आपको ले चलता हूं पानी दिखाने के लिए, कितना ही स्वच्छ पानी है, देखिए कितना ही स्वच्छ पानी है, आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा है, और बाल सुमन कितना बड़ा ही है। और यह है नाव, जो कि ये हम लोग इसी में बैठेंगे, ये सबसे बड़ा वाला नाव है दोस्तों, इसमें लगभग 5 लोग आ सकते हैं, 5 से 6 लोग। और मैं आपको देखना चाहता हूँ छोटा वाला, ये जो कि पैडल मारने वाले, इसमें 2 ही लोग आते हैं, 2 से 4 आ सकते हैं। और इस दोस्त लोग बैठे हैं, वो वाला इंजन बोल्ट है, उसमें इंजन बोल्ट वाला है। गाइस तो देखिए पलारी में कैसा बोटिंग स्टार्ट होने वाला है, तो आइए जल्द यहाँ बोटिंग का एंजॉय लीजिए। तो मैं दिखाता हूँ अपने फ्रेंड ले, ये घुमेश है, देखिए गाइस होगी वहाँ, देखिए एंजॉय करने के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट है, मजा आ रहा है। गाइस तो मैं बैठ गया हूँ बोट में, तो अभी तो ड्राइवर भी नहीं आए हैं, तो ये छोटू भाई चलाएंगे, आपको दिखाता हूँ ये चलाएंगे। तो ये गाइस ये 6 सीटर का है, आप देख सकते हो, तो अब चलते हैं गाइस टापू पे। A few moments later. तो हे गाइस ये है गार्डन जाने का रास्ता, तो अब लोग हम लोग जाएंगे गार्डन माँ देखने के लिए, वहाँ माँ शारदा देवी का मंदिर है, और गार्डन को अच्छे से घूमेंगे हम लोग। तो चले गए जल्दी चलते हैं फ्लाक से। तो गाइस जो दिख रहा है सामने में मंदिर, वही है माता माँ शारदा देवी का मंदिर, बैठने के लिए यहाँ जगह है। और चलिए अब चलते हैं जल्दी है फ्लाक से मंदिर की ओर, तो चलिए जय माँ शारदा। तो सो है गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए बाल सुमन के टापू में, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं उसका नज़ारा कई कैसा है। तो चलिए अब चलते हैं गार्डन की ओर घूमने के लिए, नहीं पहले तो हम लोग जाएंगे मंदिर, उसके बाद जाएंगे गार्डन, तो चलिए गाइस चलते हैं।
गाइस अपन लोग पहले जाएंगे मंदिर, तो गार्डन की ओर नहीं जाएंगे, तो नहीं गार्डन नहीं जाएंगे, पहले मंदिर जाएंगे। तो चलिए गाइस फटाक चलते हैं मंदिर की ओर, उसके बाद जाएंगे गार्डन की ओर। तो चलिए गाइस चलते हैं मंदिर। तो गाइस ये है माँ शारदा देवी मंदिर, बालसमुंद के टापू में स्थित यह मंदिर है। और मंदिर के ऊपर दो मूर्तियाँ और है, एक भोलेनाथ जी का और एक बजरंगबली का। तो मैं उन दोनों मूर्तियों को आपको दिखाऊंगा मंदिर के ऊपर जाके। तो पहले हम लोग चलते हैं माँ शारदा देवी मंदिर में। यह है माँ शारदा देवी मंदिर जो कि टापू के बीचों बीच में स्थित है। देखिए माँ शारदा देवी मंदिर, जय माँ शारदा। तो चलिए गाइस, और ये शनिदेव का भी मंदिर है, छोटा सा और मूर्ति है, आप देख सकते हो। तो मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर के ऊपर जो कि भोलेनाथ विराजमान है, आप देख सकते हो गाइस। ये भोलेनाथ जी स्थापित है, इसके नीचे में शिवलिंग है, ये नंदी महाराज है। और मैं आपको दिखाता हूँ लॉर्ड ऑफ हनुमान बजरंग जी का मूर्ति जो कि ये है। तो गाइस मैं कपड़ा चेंज कर लिया था क्योंकि बारिश हो रहा था, थोड़ा भीग गया था, तो दूसरा कपड़ा चेंज किया हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब गार्डन, टापू में हम लोग आ गए थे, अब गार्डन दिखाऊंगा आप लोग को। मंदिर तो देख लीजिए, तो चलते हैं गाइस हम गार्डन देखने के लिए। तो गाइस हम लोग जिस गार्डन की बात कर रहे थे पलारी के टापू के, तो बालसमुंद का टापू का गार्डन यही है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता के साथ और बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़ के साथ यहाँ गार्डन लगा हुआ है। देख सकते हैं गार्डन, पेड़ हैं, बगीचे हैं, मस्त हैं। और यहाँ देखिए कैसे फूलों के साथ साथ गुलदस्ता भी लगे हैं, यहाँ पेड़ भी लगे हैं। आप देख सकते हैं ये फूल का भी है, ये झूलने का व्यवस्था है, यहाँ गार्डन वगैरह मस्त हैं। तो गाइस यहाँ आने के बाद अपने बच्चों को भी लाएं साथ में, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा प्लेस है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप यहाँ आते हो घूमने के लिए तो 4 बजे के बाद ही आना, क्योंकि यहाँ 4 बजे के बाद ही ये गार्डन ओपन होता है। इस गार्डन को 4 बजे से पहले नहीं खोला जाता है। और एक बार गाइस यहाँ बच्चों के साथ साथ बड़े भी झूल सकते हैं, बड़े भी यहाँ के लिए रखे हैं, बड़े लोगों के लिए भी यहाँ झूलने की व्यवस्था किया गया है, बैठने का व्यवस्था किया गया है। तो ये केवल बच्चों के लिए नहीं, हम सभी के लिए यह पर्यटन स्थल है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरती के साथ ये गार्डन है। और अगर आप आना चाहते हो तो जल्दी आइए गाइस, क्योंकि मंदिर भी घूमना है तो जल्दी आ सकते हो, तो जल्दी आ जाइए। अगर गार्डन घूमना है तो आप 4 बजे के बाद ही आइए, अगर मंदिर घूमना है तो आप 4 बजे से पहले आ जाइए। तो मैं आपको गाइस मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके, वो सिद्धेश्वर धाम है, देख सकते हैं। और वहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बोटिंग का व्यवस्था भी किया गया, अब जो चालू होने वाला है। तो जल्दी ही आइए गाइस, इंजॉय लीजिए। और एक बात और, यहाँ आते हैं तो फोटो जरूर खिंचवाना गाइस, क्योंकि यहाँ का फोटो बहुत ही बेहतरीन आता है, बहुत ही जबरदस्त मिलता है। तो गाइस हो गया, मैं आपको घुमा दिया पलारी का सिद्धेश्वर धाम। तो कैसा लगा आप बताइए मेरे को कमेंट में। और आप भी घूमने के लिए ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ टापू है और बोटिंग भी स्टार्ट होने वाला है। और सिद्धेश्वर धाम शिवलिंग क्योंकि बहुत ही प्राचीनतम है, 8वीं शताब्दी का बना हुआ है, आप एक बार ज़रूर आइए देखने। तो गाइस ठीक है, इस वीडियो को प्यार दीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।